दर्शन कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पीएससी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। टोटल 40 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके पीएससी प्री एग्ज़ाम और व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका 12 फरवरी को एग्ज़ाम है तो इसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके पीएससी एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे भारत के, ठीक है, इंडियन जीके, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि भारतीय दर्शन कला की आरंभिक विचारधारा क्या है। तो भारतीय दर्शन कला के जो आरंभिक विचारधारा है आपका पहला ये हो जाएगा साख्य, ठीक है। सेकंड देखेंगे भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है। तो जो भारत की दर्शन कला है उसकी प्रारंभिक शाखा पूछा गया है, तो यहाँ पर हम उसकी प्रारंभिक शाखा देखेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जैसे कि ये साख्य, ठीक है। तीसरा है आपका भारत का प्राचीनतम दर्शन। भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है आपका भी साख्य होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए साख्य दर्शन के प्रतिपादित किया गया था, जो साख्य दर्शन है उसको किसने प्रतिपादित किया गया था, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कपिल द्वारा किया गया था, इसको याद कर लीजिएगा। टोटल 40 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। कितना 40 एमसीक्यू करेंगे, ये आपके भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा या फिर टेस्ट के रूप में देखिएगा, ठीक है। टेस्ट आप दिलाते जाइएगा, जो भी टिक लगाएंगे सही होगा और जो रॉन्ग होगा वो आपका गलत होगा। किस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर इसको टच कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब गलत उत्तर होगा, ठीक है। सही उत्तर के लिए आपका नीला टिक होगा, ठीक है। सही उत्तर के लिए नीला टिक होगा और गलत उत्तर के लिए आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि पांचवा योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक है आपका पतंजलि, ठीक है। ये आंसर सी होगा, कई लोगों ने आंसर कपिल दिया है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं आपका हो जाएगा सी कणाद, ठीक है। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक आपका जैमिनी होगा, आंसर डी, ठीक है। अब देखते हैं कि लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक है आपका कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर सी होगा, चवाक, ठीक है, चारवाक, ठीक है। चलिए अब शून्यवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो शून्यवाद के प्रतिपादक आपके माने जाएंगे डी, ठीक है, यानी कि नागार्जुन। उसके बाद है अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, ठीक है। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं आपका बी होगा, शंकराचार्य, ठीक है। उसी प्रकार द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक, ये आपका देखिए भारत में जो पूछा गया है, भारत के जीके है भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति से, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ये टॉपिक से अगर आप पढ़ लिए समझो 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए द्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक है आपका हो जाएगा द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपका हो जाएगा क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। द्वैतवाद का क्या आएगा, सी, बिल्कुल माधवाचार्य, ठीक है। अब देखें द्वैताद्वैत के सिद्धांत के प्रवर्तक है, इसका आंसर क्या होगा, डी, निकम्बकाचार्य, ठीक है। अब देखेंगे शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। शंकराचार्य का आपका होगा अद्वैतवाद, ठीक है, आंसर डी। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है, तो भागवत धर्म का प्रमुख आधार होगा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर होगा विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, आंसर सी। इसके बाद भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन है। देखिए जो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य पूछा गया है, इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर आपका ए होगा, बिल्कुल रामानुज, ठीक है। अब देखेंगे कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है
इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो इसका आंसर जो कपिल मुनि है आपका सांख्य दर्शन से संबंधित होगा। पतंजलि योग का संबंध किसे कहते हैं? जो पतंजलि आप जहाँ कभी भी पतंजलि पूछे गए तो योगाभ्यास करते हैं ना, डायरेक्ट इसको टिक लगा दीजिएगा, क्या आएगा? योग दर्शन। अब देखेंगे महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। तो महर्षि गौतम का जो संबंध है किस दर्शन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी, न्याय दर्शन। ठीक है, अब देखेंगे महर्षि कपिल का नाम दर्शन किस विधि से जुड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार 20 क्वेश्चन देखते हैं, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो रामानुजाचार्य आपका विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। ये बिल्कुल तीनों गलत है और ये आपका सही है। तो टोटल आपने 20 क्वेश्चन लगाए हैं जिनमें 18 लोगों का सही हुआ है। ठीक है, 18 लोगों का टेस्ट में सही हुआ है। अब देखें 20 क्वेश्चन और बाकी है, इसका सेकेंड पार्ट, ये पार्ट वन था, ये पहला पार्ट था। ठीक है, टोटल हमको देखेंगे दूसरा पार्ट में 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर आपका हो जाएगा 40 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ से सेकंड पार्ट निकालते हैं। पार्ट वन हमने देखा था 20 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन देखा था यहाँ पर? 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखा था। पार्ट टू में अब देखेंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 3 और ये 3, यानी कि 33 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर हम 33 क्वेश्चन देखने वाले हैं टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर पहला, यहाँ से देखते हैं सेकंड पार्ट का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म जो सम्मिलित नहीं है, तो आंसर ए योग सूत्र पतंजलि, ये बिल्कुल सही है। आंसर बी कहता है काम सूत्र वात्स्यायन से, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा न्याय सूत्र गौतम से, ये भी बिल्कुल सही है। और गीता रहस्य यानी कि गांधी जी बिल्कुल गलत है। तो चलिए मिलान करते हैं, तो ये आंसर डी होगा, पहला बिल्कुल सही है, जो गीता रहस्य गांधी से सम्मिलित नहीं है। जबकि ये तीनों ही बिल्कुल सम्मिलित है, यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीनों सही हैं और ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पूछा कि सम्मिलित नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय की दर्शन की अपेक्षा है ना पाश्चात्य दर्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी, राजा राम मोहन राय। अब देखेंगे अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है ना। ये जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ पीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसे? पीएससी एग्जाम में। और व्यापम में तो कभी कभी 2 से 3 नंबर पूछ लिया जाता है व्यापम में। ठीक है, तो जो लोग 12 फरवरी को जिसका एग्ज़ाम है ना पीएससी का, एक बार टेस्ट के रूप में दिला लीजिएगा। 33 क्वेश्चन यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पूछे जाएंगे, कहीं नहीं जाएगा प्रश्न, है ना। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर व सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो जो अष्टांगिक मार्ग है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद एक पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना हुई थी वो आपका वल्लभाचार्य। उसके बाद आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आप सभी को मालूम है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपका मंगली गोपाल जी हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपका न्याय दर्शन का लेखक था, तो न्याय दर्शन का जो लेखक है वो आपका हो जाएगा आंसर ए गौतम। ठीक है, अब देखेंगे निम्न में से कौन सा एक सही कालक्रम है, तो सही कालक्रम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सातवां का आंसर ए होगा सही, शंकराचार्य रामानुजन और चैतन्य से संबंधित है, जबकि ये बिल्कुल तीनों ही गलत है। तो चलिए इसको देखते हैं, तो ये आपका ए बिल्कुल आंसर हो गया। अब देखेंगे जब तक जीवित रहो सुखी रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता, या पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह किसकी युक्ति है। तो ये आपका हो जाएगा चावड़ों की युक्ति है। ठीक है, चावर को। अब कर्म का सिद्धांत संबंधित है, जो कर्म का सिद्धांत है आपका हो जाएगा बी मीमांसा से। ठीक है, अब आदि शंकर को बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म हुआ था, जो आदि शंकर है बाद में है ना, जो शंकराचार्य बने थे उनका जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया है। कश्मीर
केरल, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही है, केरल। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे प्रतिपादित किया गया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, जैसे मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसका आंसर ए, बी, सी या डी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11वां का सी, आजीवक। ठीक है, देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ऐसा कौन सा संत है जिसने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो देखिए यहाँ पर द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था आपका ए, शंकराचार्य। ठीक है, कौन है? शंकराचार्य। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमने देख चुके हैं टोटल पार्ट वन वीडियो और पार्ट टू वीडियो में। ठीक है, चलिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन का मिलान कर चुके हैं, है ना, टोटल पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देख चुके हैं, टोटल 33 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे टेस्ट देने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल भारतीय दर्शन कलम संस्कृति से क्वेश्चन हमने देखा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगता हो, लाइक लगता हो, पसंद कर लीजिएगा, चैनल को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।